NTAUGCNET, Unimaginet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर की, यानी कि संचार के अंदर क्या क्या बाधाएं आ सकती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि संचार में प्रमुख बाधाएं किस किस तरह की आती है, कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह के होते हैं और ये काफ़ी टाइप के होते हैं। दोस्तों ये सभी हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, तो उस दौरान बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम मान के चलते हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान साइड में से अगर कोई बाइक गुजर जाए और बहुत तेज़ आवाज़ हो उसकी, तो अगले को हमारी बात सही से नहीं सुनेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और इसी तरीके से मान के चलिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और इस दौरान अगर नेट स्लो हो जाए, वीडियो रुक रुक के चलने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम मान के चलिए किसी को लेटर लिख के भेजते हैं और वो लेटर अगर रास्ते में फट जाए, किसी कारणवश जल जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें से आधी बात ही अगले तक पहुंचे और आधी ख़राब हो जाए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। अब देखिए कम्युनिकेशन बैरियर किस किस तरह का हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं किस किस तरह की आ सकती है। अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से ये है कि संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगर हमारी जो संस्था वो बहुत बड़ी होगी तो हम सभी लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये एक इसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, अगर कोई दो कर्मचारी और उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि एक दिल्ली रह रहा है और एक मान के चलते जयपुर रह रहा है, तो उनके बीच में थोड़ा कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं। और एक है कि दो व्यक्ति जो 2 किलोमीटर पे रहते हैं तो वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन, अब देखिए कोई बंदा हो सकता है कि मान के चलते कि संस्कृत का टीचर हो और कोई है इंग्लिश का टीचर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज कह सकते हैं फिर जॉब स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, वो दोनों के दोनों अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ना और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो वो आप हमें बताना। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और किस तरह की बैरियर हो सकते हैं। अब देखिए भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं, अब देखिए फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर किस तरह के हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यांत्रिक बाधाओं को पारस्परिक एवं जन संचार दोनों में शामिल किया जा सकता है। यांत्रिक बाधाओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे रेडियो प्रसारण में बाधा, टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन, यानी कि जो हमारी फिजिकल और मैकेनिकल यानी कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके अंदर किस तरह की बाधाएं हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे टीवी स्क्रीन पे हम कुछ देख रहे हैं और उसमें कुछ धुंधलापन आ गया तो वो क्या होगा, हमारा फिजिकल बैरियर हम उसे कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो चर 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 की आवाज़ आने लग जाती है या फिर जो फ़ोन की आवाज़ है वो कटने लग जाती है, अगले के पास कट कट के पहुँचती है, तो वो क्या होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसके अंदर। और देखते हैं और इसके अंदर क्या होता है, और जैसे टेलीफोन उपकरणों में अश्राव्यता, यानी कि वो बात मैंने आपको बता दी, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। और देखते हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित तनाव, जैसे कि मान के चलते हैं जब मौसम ख़राब होता है तो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन ख़राब होने लग जाता है, टीवी ख़राब चलने लगता है और इंटरनेट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कई बार, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पर्यावरण के अंदर। और कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत निष्ठा तनाव, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो भी जो संचार है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, अगर वो नींद की अवस्था में है तो सही से नहीं कर पाएगा। प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, यानी कि
अब हमें नहीं पता कि जो अगला व्यक्ति वो किस माध्यम का यूज़ कर रहा है। अब देखिए मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, ये वीडियो अगर आप फ़ोन पे सुनोगे तो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी सुनाई देगी, लेकिन यही वीडियो अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात हम करते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को हम कहें कि आपका इंटरव्यू लेना है या आपसे कुछ बात करनी है, और मैं उसको कहूँ कि आपको स्काइप पे आना है ठीक है, लेकिन अगला इसके बारे में नहीं जानता, तो इससे भी क्या होगा, हमारा इससे कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होगा। और आगे देखते हैं हम दोस्तों, आगे है हमारा मानसिक अवरोध या बाधाएं, मानसिक और साइकोलॉजिकल बैरियर किस तरह से हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है व्यक्ति विशेष संदर्भ, फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए हर जो इंसान है उसका एटीट्यूड, उसके सोचने समझने का तरीका, उसकी संस्कृति है, वो सभी अलग हो सकती है। अब देखिए हर व्यक्ति के आदर्श यानी कि किस चीज़ को वो मानता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें किस चीज़ में उसकी आस्था है, किस में वो बिलीव करता है, ये सभी चीज़ें भी निर्भर करती है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संदर्भ एक समान नहीं हो सकता, समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को यार बहुत नॉलेज है ठीक है, हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है, ये जो इंसान है बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस समय उसकी नॉलेज अच्छी हो, लेकिन 5 साल बाद में उसमें जो है इंक्रीजमेंट ना हुआ हो, तो ये व्यक्ति विशेष बाधाएं भी हो सकती है। और इसके अंदर क्या है, आगे देखते हैं, आत्म छवि या स्वत धारणा। अब देखिए कई बार हम किसी को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं किसी को कहूँ भाई भगवान नहीं होता ठीक है, लेकिन अगला व्यक्ति अगर ये मान के बैठा भी भगवान होता है, तो चाहे उसे हम कितना भी समझा ले कुछ भी कर ले, वो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने आत्म छवि स्वत धारणा यानी कि खुद एक बात वो अपने अंदर बैठा रखी है ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा कि कम्युनिकेशन बैरियर होगा, जो हम बात उसे समझाना चाह रहे हैं वो बात वो कभी नहीं समझेगा। अगला है दोस्तों अनुभव क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए विज्ञान के छात्र को शायद हिंदी साहित्य की बातें अच्छी तरह से समझ में ना आए, ये बात भी है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच करेगा, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है जिस फील्ड का, उसकी बातें उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ें भी होती है। आगे दोस्तों हमारे पास संज्ञानात्मक मतभेद यानी कि कॉग्निटिव डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम बताते हैं आपको, संज्ञानात्मक को हम ज्ञान संबंधी भी कह सकते हैं, यदि हमारी सोच या ज्ञान में कोई मतभेद हो तो उसको संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से समझता है, चाहे उसकी प्रतिक्रिया उतनी अनुकूल न हो। अब देखिए जो व्यक्ति जिसके खिलाफ हो, अब जैसे हम मान के चलते हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर आजकल रैगिंग है वो बंद कर दी गई है, जो व्यक्ति उसके पक्ष में होगा यानी कि जो चाहता वे रैगिंग होनी चाहिए, तो उसको वो बातें अच्छी नहीं लगेगी, और जो व्यक्ति चाहेगा कि ये रैगिंग है वो ये बंद होनी चाहिए, उसको वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ठीक है। इस तरह से है। और आगे देखते हैं मानसिक डर या बचाव की मुद्रा में। अब ये देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया है पहले, इसका मतलब हम समझते हैं। अब देखिए कई बार क्या है कि इंसान अपने बचाव के लिए यानी कि अपने बचाव के लिए डर जाता है, उस टाइम उसका जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंस हो सकता है, उसका जो फर्क आ सकता है उसकी बातों में। अब देखिए इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे मान के चलते हैं कि क्लास के अंदर किसी ने कुछ चीज़ तोड़ दी, और टीचर क्लास के अंदर आए और एक शरीफ बच्चा है उसको उठा के पूछे भाई हाँ बता किसने ये किया, तो वो हो सकता कि डरते डरते कह दे कि नहीं सर नहीं 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया सर, तो वो बचाव के लिए कर रहा है ऐसा, लेकिन सर क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा, ये तो ज़्यादा अपनी तरफदारी कर रहा है, ये तो बहुत बचने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये काम इसी ने किया है, तो वो क्या है कि वो शक के घेरे में आ जाएगा, शक के दायरे में आ जाएगा, उस पर ज़्यादा शक होगा और उसी
को टीचर सोचेगा ये काम इसने किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब पुलिस के अंदर भी जाते हैं तो पुलिस को भी जब हम ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम क्लैरिफिकेशन देंगे, नहीं सर मैं तो नहीं था, मैंने नहीं किया, ये है वो है, तो हो सकता है कि पुलिस को हम पे ज़्यादा शक होने लगे। तो इसे हम कहते हैं यानी कि शक या फिर डर या बचाव की मुद्रा भी हमारे में कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। आगे हम देखते हैं चयनात्मक धारणा। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जून 2019 में से क्वेश्चन आया है। अब सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, चयनात्मक धारणा सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है। यह एक तरह का पूर्वाग्रह ही है, हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध हो। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को लेकर हमारी पहले से ही अवधारणा बनी हुई होती है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ये ऐसा है। ठीक है, अब जैसे कई बार कहते हैं ना गांव के अंदर या फिर स्कूल के अंदर कोई टीचर कहता है कि वो जो लड़का है ना वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत होनहार बच्चा है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन वो लड़का गलत कर देता है तो वो टीचर मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहते नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता वो ऐसा कर सकता है, नहीं वो नहीं कर सकता ऐसा, यानी कि वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन टीचर के अंदर पहले ही अवधारणा बनी हुई है किसी स्टूडेंट को लेकर, भाई ये लड़का सही है ये या फिर ये लड़का गलत है, तो वो अपनी अवधारणाओं के अनुसार ही रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और यही अवधारणा जो है कम्युनिकेशन बैरियर होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जून 2019 के अंदर आया है, आप ध्यान में रखना। और आगे दोस्तों, आगे फिल्टरिंग। अब देखिए फिल्टरिंग भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अब देखिए फिल्टरिंग के अंदर क्या है कि कई चीज़ें जो हम अच्छा मानते हैं कोई गलत मानते हैं, जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी देखते हैं, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, हाँ ये चीज़ ठीक है ये कर लेते हैं, ये चीज़ है ये ठीक है ये कर लेते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों को हम स्किप करते चलते फिल्टर करते चलते हैं, और हो सकता है उस फिल्ट्रेशन के अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छुपी हो, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब देखिए अर्थ संबंधी अवधारणाएं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में अत्याधुनिक संचार माध्यम ईमेल, ई फैक्स, ई प्रिंट इत्यादि का यूज किया जाता है। अब हम मान के चलते कि कोई इंसान है वो हो सकता है कि जो बोलने वाली भाषा है फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है, लेकिन अगर उसे कोई चीज़ हम ईमेल करेंगे तो हो सकता है वो अच्छे से ना समझे उस चीज़ को, तो वो क्या हो गया, अर्थ संबंधी अवरोध हो गया। यानी कि वो चाहता है कि उसे बोल के कोई चीज़ समझाई जाए, लेकिन अगर हम उसे ईमेल भेजें तो हो सकता है उसे 70% चीज़ें वो समझ में आए, तो इसे हम कहेंगे अर्थ संबंधी अवरोध। यानी कि जिस अर्थ में वो समझना चाह रहा है उस अर्थ में हम उसे नहीं समझा रहे, तो ये होगा। और आगे दोस्तों हमारे पास उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, हाई और लो कंटेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, देख एक मिनट रुको, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यदि हम कोई बात करके लंबी चौड़ी भूमिका बांधे तो उसको संदर्भ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये, थोड़ा दूसरे देशों का उदाहरण दिया, इसका मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कई लोग क्या होते हैं कि कोई बात बताने के लिए उसकी भूमिका बनाते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जिक्र करते हैं, उसमें एग्जांपल वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे तो जो बिल्कुल डायरेक्ट बात कह देते हैं और वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसे हम कहते हैं उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, हाई और लो कंटेक्स्ट। ठीक है,
तो यानी कि जो लोग भूमिका बना के बात करते हैं, एग्जाम्पल दे के बात करते हैं, तो वो अच्छे से समझ में आती हैं, और जो लोग बिल्कुल भी एग्जाम्पल ना दे तो वो क्या है कि हमें कम समझ में आएगी, तो इसे भी हम एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, पार सांस्कृतिक संचार। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब संचार में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के से लोगों के संवाद में क्या भिन्नताएं आए, समानताएं आए। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम मान के चलते कि अलग अलग संस्कृति के लोग आके एक दूसरे से बात करें, अब हम मान के चलते हैं एक आगे गुजराती व्यक्ति आ गया, एक हरियाणवी व्यक्ति आ गया और एक बंगाली व्यक्ति आ गया, ये तीनों के तीनों जब बात करेंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ एक गुजराती और गुजराती जब गुजराती से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब बंगाली से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक बैरियर उसे हम कहेंगे। और आगे दोस्तों भाषा का अल्प ज्ञान होना, ये भी उसी तरीके से है दोस्तों, जब हम मान के चलिए हम पंजाब के अंदर चले जाए और पंजाब के अंदर हम किसी को एड्रेस पूछे, तो वो जो पंजाब के जो लोग होंगे, गांव के जो लोग होंगे, तो वो पंजाबी के अंदर बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, तो उसे हम क्या करेंगे, भाषा का अल्प ज्ञान होना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनसफिशियंट नॉलेज ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा का अल्प ज्ञान होना, यानी कि भाषाई अवरोध हम इसे कहेंगे। आगे दोस्तों सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंस, अब ये बात भी मैंने आपको बताई है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि गुजरात के अंदर दीपावली को किसी और तरीके से बनाते हो, हरियाणा के अंदर जो दिवाली है वो किसी और तरीके से बनाते हो, तो इनके अंदर भी ये सांस्कृतिक मूल्य मान्यताएं जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, इसी बेस पे भी जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंस हो सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि गुजरात का कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए और हम दीपावली बना रहे हैं, और वो हमें देखे कि अरे यार ये तो गलत तरीके से बना रहे हैं, और वो हमें समझाना चाहे और हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, तो ये सभी जो बैरियर उत्पन्न हुआ ये किस तरह से हुआ, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ये उत्पन्न हुआ। आगे तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना, अब इसे भी हम इसे कहेंगे कि टेक्निकल नॉलेज की हम बात इसे कह सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल चीज़ के अंदर हम किसी को सी लैंग्वेज समझाए, HTML समझाए, यानी कि वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ समझाए, तो उनकी वो टेक्निकल भाषा हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जैसे हम समझाना चाह रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है, अब जैसे मैं आप लोगों को समझाने लगूँ कि वेबसाइट कैसे बनती है, उसके अंदर HTML का यूज़ करते हैं, कोड यूज़ किया जाता है, CSS यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज की जानकारी नहीं है ज़्यादातर दोस्तों को, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेक्निकल बैरियर कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य रूप से कम्युनिकेशन बैरियर, और इनमें से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करनी भूल गया, मैं बता देता हूँ, जो भाषा के द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होता है उसे हम एंट्रोपी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पहले आया था, ये इसमें मैं लिखना भूल गया, यानी कि भाषा के द्वारा जो कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होता है उसे हम एंट्रोपिकल बैरियर कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी जो वीडियो कितनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, आप जो विचार वो हमें बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।